तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं एन ठाकुर। तो जैसा कि कल वारदात हुई थी देवीलाल प्रसाद ज्वेलर्स में, तो अभी हम उसी दुकान के सामने खड़े हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ झुंड है जैसा कि आप देखेंगे, और हम उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ पब्लिक है, और आज चकिया में पूरा बंदी किया हुआ था, पूरे दुकान को बंद की गई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। मोतिहारी के चकिया में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली और लूटा लाखों का आभूषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। बिहार के पूर्वी चंपारण में अपराधियों में पुलिस का खौफ समाप्त हो चुका है। अपराधियों का तांडव सीसीटीवी में साफ साफ देख सकते हैं। बेखौफ अपराधियों ने चकिया में स्वर्ण व्यवसायी के दो बेटा को गोली मारकर लाखों रुपए के सोना और जेवरात लूट लिया। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी स्वर्ण व्यवसायी के दोनों बेटों को प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सकों के पास भेजा गया। बताया जाता है कि स्वर्ण व्यवसायी देवीलाल प्रसाद चकिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। व्यवसायी देवीलाल प्रसाद चकिया मुख्य बाजार में देवीलाल प्रसाद ज्वेलर्स नाम से स्वर्ण आभूषण की दुकान है। बुधवार को वह दुकान चला रहे थे, इसी दौरान बाइक से आए अपराधियों ने देवीलाल प्रसाद के दोनों बेटों पर गोली चला दी और लाखों का आभूषण लूट लिए। चकिया से आदित्य कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज। तो हम दुकान के अंदर पहुंच चुके हैं, और ये है वो देवीलाल प्रसाद ज्वेलर्स जहां पे ये वारदात हुए। और ये है देवीलाल जी जो इस दुकान के ओनर है, और उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बारे में वो जानकारी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नमस्कार, तो आप अपना परिचय दीजिए पहले। देवीलाल प्रसाद मेरा नाम है। मेरा हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अचानक 6 आदमी घुसा दुकान में और तरातर गोली चलाने लगा। हम लोग सिहर गए, दोनों लड़का पर गोली एकों को चलाया, उसके बाद लूटना पटना चालू कर दिया। मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सीधे बंदूक लेके अंदर आए और लूट लिए। गोली चलाने लगा, अंदर घुसते धड़ाधड़ गोली चलाना, 11-12 को गोली चलाया है टोटल। मतलब 11-12 गोली चला है। यहाँ पे वैसे सबूत के तौर पे कितने गोली मिले? 11-12 को मिला है। मिल गया, प्रशासन ले गया है, प्रशासन उसको ले गया। और पुलिस का इसमें क्या एक्शन है? एक्शन तो वो अपना काम अच्छा कर रहा है, धर पकड़ के पीछे तो लगा हुआ है। अभी तक कितने अपराधी पकड़े गए हैं? अभी पकड़ाया गया है, नहीं पकड़ाया गया ये प्रशासन बतलाएगा। मतलब पुलिस अभी आपको कुछ भी जानकारी नहीं दी है? अभी नहीं दिया है। तो इसके बारे में मतलब आपको पहले से भनक था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई भनक नहीं था। तो ये अचानक से हुआ है और सब कुछ अचानक से हुआ है? पहले से प्रोग्राम उस सब का रहा होगा, अचानक आया और देखा कि लोग नहीं है, धराधर गोली चलाने लगा। कहा था कि मादर चोत कोई हिलेगा तो गोली से मार देंगे, और धराधर गोली चला था, सबके हाथ में गोली था, पिस्तौल था। जैसा कि सीसीटीवी कैमरा में देखा गया था, यहाँ पे औरतें भी थी क्या? औरत तो इसी मोहल्ला में का है। इसी मोहल्ला में? हाँ, इसी मोहल्ला में। उसको कान में का लेना था, नहीं लिया, चल दिया तुरंत। तो मतलब कुछ बातचीत नहीं, सीधा आए और गोली चलाए चले गए। गोली चलाते रह गया एकदम तरातर। उसके बाद हम लोग मना किए, भाई गोली मत चला, जो सामान लेना है सो ले लो। उसके बाद में अपना लूटना चालू कर दिया, और लूट कर दोनों लड़का को गोली मारा और चलते रह गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देवीलाल प्रसाद से हमने बात किया है, आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। एबीएन न्यूज, एएन ठाकुर।